सिंगरौली भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जिसे 24 मई 2008 को सिंधी जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जो रीवा संभाग में आता है। यह प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से संपन्न एक क्षेत्र है। दोस्तों, वैसे तो हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, खासियत और खूबी होती है, मगर सिंगरौली जिले की पहचान समूचे देश में ऊर्जाधानी के रूप में की जाती है। यहाँ कोयले का अपार भंडार है, पानी का अथाह सागर है। इस स्थिति में यहाँ ऊर्जा पैदा होना स्वाभाविक है, इसी कारण इसे भारत की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जांचल नाम दिया गया है। दोस्तों, इस शहर को ऋषि श्रृंगी के नाम पर प्राचीन काल में श्रृंगावली के नाम से जाना जाता था। उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से ढंका हुआ था। दोस्तों, यह शहर लगभग 5675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 28वां शहर है और इस जिले का मुख्यालय बैढ़न में है। यहाँ पर बरिगवा में हिंडाल्को का कारखाना भी है, जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है, और इस शहर में भारत की सबसे बड़ी विद्युत संयंत्र कंपनी NTPC भी स्थित है। फ्रेम बैढ़न से 32 किलोमीटर की दूरी पर माडा तहसील में 7वीं और 8वीं शताब्दी की कलात्मक रूप से नक्काशीदार रॉक कट गुफाएं देखी जा सकती हैं। प्रसिद्ध गुफाओं में गणेश माडा, विवाह माडा, शंकर माडा, जलजलिया और रावण माडा शामिल हैं। ये गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के सुंदर उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिंगरौली की जनसंख्या 11 लाख के लगभग है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 816 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, सिंगरौली जिले का इतिहास वैसे तो नया है, परंतु जिस भूभाग में यह स्थित है उसका इतिहास बहुत प्राचीन है, अंग्रेजों के आने से पहले। सिंगरौली जिला वर्तमान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दक्षिणी भाग में आता था। जब देशी रियासतों का उदय हुआ तो सिंगरौली का भूभाग रीवा रियासत का अंग बना गया, और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जैसे रीवा मध्य प्रदेश में मिल गया, वैसे ही सिंगरौली भी मध्य प्रदेश का अंग बन गया। दोस्तों, सिंगरौली जिले की सीमा उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य, दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य और पश्चिम में मध्य प्रदेश के सिंधी जिले के साथ लगती है। सिंगरौली भोपाल से 697 किलोमीटर दूर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 981 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर है। फ्रेंड, इस शहर का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं, और इस शहर की साक्षरता 62.36% है। दोस्तों, इस शहर में कई सारे दर्शनीय व खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है, जैसे रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध सिंगरौली शहर में घूमने का एक मुख्य स्थल है। रिहंद बांध एक बहुत बड़ा जलाशय है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बांध चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात में यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। बांध के किनारे बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी देखने के लिए मिलते हैं। माँ ज्वालामुखी मंदिर शक्तिनगर। सिंगरौली सोनभद्र शक्तिनगर क्षेत्र में स्थित ज्वाला देवी मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह शक्तिनगर स्थित ज्वालामुखी देवी का मंदिर है। यहाँ हमेशा ही भक्तों का तांता लगा ही रहता है। माँ ज्वालामुखी मंदिर के समीप प्रत्येक वर्ष राम नवमी का मेला लगता है, जहाँ भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। संजय नेशनल पार्क सिंगरौली। संजय नेशनल पार्क सिंगरौली शहर में स्थित एक मुख्य स्थल है। संजय नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क में बहुत सारे जीव जंतु और पौधों की बहुत सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलती है। यहां पर बाघ और अन्य जंगली जानवर देख सकते हैं। यहां पर आप सफारी का मजा ले सकते हैं। यहां पर आपको घने जंगल, खूबसूरत मैदान, नदियां, पहाड़, चट्टान देखने के लिए मिलेगी। हनुमान मंदिर झिंगुरदहा। झिंगुरदहा का हनुमान मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह सिंगरौली शहर में स्थित है। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत घाटियाँ और पहाड़ियाँ हैं। हनुमान जी का मंदिर बहुत सुंदर है और मंदिर का डिजाइन भी बहुत सुंदर है। यह मंदिर एक पिकनिक स्थल है। इस मंदिर में आकर आप घूम सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे चिल्का लेक पार्क शक्तिनगर, दुर्घट मंदिर सिंगरौली, माडा की गुफाएं सिंगरौली, विंध्यानगर लेक पार्क आदि कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।